देखते ही देखते 2019 खत्म होने आया है। 2019 के तरह ही 2020 भी मूवी फैंस के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। आज की वीडियो में हम 2020 की मोस्ट एंटीसिपेटेड और मस्ट वॉच मूवीज के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो सीट बेल्ट बांध ले और अपने पॉपकॉर्न रेडी रखे, ये एक बम्पी राइड होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के वीडियो को शुरू करते। डॉक्टर डूलिटल एवेंजर्स एंड गेम की जैसी हाई प्रोफाइल फिल्म के बाद रॉबर्ट डॉनी जूनियर यूनिवर्सल की डूलिटल में दिखेंगे। डूलिटल 17 जनवरी को रिलीज होगी। ये फिल्म एंडी मर्फी के डॉक्टर डूलिटल का रीमेक है। ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि यूनिवर्सल इस फिल्म को डिज्नी के लाइव एक्शन की तरह पिच कर रहा है। इस फिल्म में रॉबर्ट डॉनी जूनियर डॉक्टर डूलिटल का किरदार करते हमें दिखेंगे, जो अपने एक्सोटिक एनिमल के साथ अपने मेंशन में रहता है। इन एनिमल्स से वो बात भी कर सकता है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम जुड़ते ही इस फिल्म से एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ चुकी है। Are you Dr. Doolittle? बर्ड्स ऑफ प्रे। शुरुआत में सबको लगा था कि मार्वल सुपर जनर की पहली फीमेल टीम अप मूवी बनाएगा, लेकिन डीसी ने अपनी बर्ड्स ऑफ प्रे के साथ मार्वल से ये चांस छीन लिया है। बर्ड्स ऑफ प्रे फरवरी 7, 2020 को आएंगी। इस फिल्म में हार्ली क्विन के साथ हंट्रेस, रेना मोंटेया और ब्लैक कैनरी हमें दिखेंगे। बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम डीसी के आइकॉनिक विलेन ब्लैक मास से भिड़ती हमें इस फिल्म में दिखेंगी। ब्लड शॉट। मार्वल और डीसी के बाद अब छोटी कॉमिक कंपनीज ने भी अपनी कॉमिक प्रॉपर्टीज पर मूवीज और शोज बनाना शुरू कर दिया है। वैलियंट कॉमिक्स की पहली फिल्म ब्लड शॉट 21 फरवरी को रिलीज होगी। इस फिल्म में विन डीजल मेन किरदार में हमें दिखेंगे। ट्रेलर को देख पता लग रहा है कि ब्लड शॉट एक ओरिजिन स्टोरी है। इस फिल्म को वीएफएक्स सुपरवाइजर डेव विल्सन ने डायरेक्ट किया है, इसलिए इस फिल्म में हमें बहुत बढ़िया वीएफएक्स देखने को मिलने वाले। ऑनवर्ड। पिक्सार की मूवीज हमेशा से एक क्राउड ड्रॉ रही है। पिक्सार ने एक के बाद एक ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म देखकर अपने सक्सेस फॉर्मूले को हमेशा प्रूव किया है। पिक्सार स्टूडियो अगले साल एक और ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म के साथ आ रहा है। इस फिल्म में क्रिस पैट और टॉम एलन मेन किरदार को आवाज देते दिखेंगे। फिल्म में दोनों को अपने पिता को मैजिक स्टाफ के मदद से 24 घंटे के लिए जिंदा करने का चांस मिलता है, लेकिन वो अपने पिता की आधी बॉडी को फिर से वापस ला पाते। ऑनवर्ड 6 मार्च को रिलीज होगी। Until then, ta-da! मुलान। डिज्नी फिलहाल अपने क्लासिक एनिमेटेड फिल्म्स को लाइव एक्शन फिल्म्स में बदल रही है। अगले साल डिज्नी की एक और क्लासिक एनिमेटेड फिल्म मुलान का लाइव एक्शन रीमेक 27 मार्च को रिलीज होगा। कहा जा रहा है कि मुलान डिज्नी की मोस्ट एक्सपेंसिव लाइव एक्शन फिल्म हो सकती है। इस फिल्म का बजट $300 मिलियन के रेंज में। ये फिल्म डिज्नी की अगले साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन सकती है। नो टाइम टू डाई। अगले साल जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 25वीं फिल्म नो टाइम टू डाई आने वाली है। ये फिल्म अप्रैल 17 को रिलीज होगी। इतना ही नहीं, नो टाइम टू डाई डैनियल क्रेग की आखिरी जेम्स बॉन्ड फिल्म होगी। डैनियल क्रेग अब तक 5 बार जेम्स बॉन्ड का किरदार कर चुके हैं और फैंस ने उन्हें इन सभी रोल में पसंद किया है। ये अगले साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म की एक कंटेंडर भी है। और इतना ही नहीं, नो टाइम टू डाई जेम्स बॉन्ड की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होगी। ब्लैक विडो। जरूर नताशा रोमनॉफ एवेंजर्स एंड गेम में मारी गई हो, लेकिन ब्लैक विडो का टाइम अभी एमसीयू में खत्म नहीं हुआ है। नताशा अगले साल आखिरकार अपने सोलो मूवी में हमें दिखेंगी। ब्लैक विडो थिएटर में 1 मई को आएंगी। इस फिल्म में नताशा के बैक स्टोरी के बारे में हमें बताया जाएगा। ब्लैक विडो 2020 की मार्वल की पहली फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के साथ एमसीयू का फेज 4 भी शुरू हो जाएगा। Fast 9। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी एक कार रेसिंग के फिल्म से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये एक फुल एक्शन फ्रेंचाइजी बन चुकी है। अगले साल फास्ट एंड फ्यूरियस का 9th पार्ट आने वाला है। इस फ्रेंचाइजी के पिछले दोनों फिल्म्स ने $1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया है और फास्ट 9 भी आराम से 1 बिलियन क्रॉस कर देंगी। आप डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम को दुनिया को बचाते फिर से देखने के लिए कितने एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। वंडर वुमन 1984। डीसी ने वंडर वुमन के साथ पहली फीमेल लेड सुपर हीरो मूवी हमें दी थी और ये फिल्म ना ही सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि फैंस को भी बहुत पसंद आई थी। अगले साल डीसी वंडर वुमन 1984 को लेकर आ रहा है। इस फिल्म में पिछली फिल्म की मेन कास्ट और डायरेक्टर पेटी जेंकिंस भी रिटर्न आ रहे हैं। पिछली वंडर वुमन वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त सेट थी और इस बार वंडर वुमन को 70s और 80s में हम फॉलो करेंगे। इस बार प्रिंसेस डियाना चीता और मैक्सवेल से भिड़ेंगी। वंडर वुमन 1984 5 जून को रिलीज होंगी। सोल। बहुत कम ऐसे साल होते हैं जहां पिक्सार की 2 मूवीज देखने को मिलती है। 2019 की तरह ही पिक्सार 2020 में भी 2 ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म्स को रिलीज करेगा। सोल पिक्सार की 2020 की दूसरी फिल्म होगी, जो 19 जून को रिलीज होगी। इस फिल्म में जेमी फॉक्स हमें मेन किरदार में दिखेंगे, जो यू नाम के सोल को फिर से जन्म लेने में मदद करेंगे। So what do you want to be remembered for? Probably for doing this funny cowboy dance. Hmm.
टेनेट। क्रिस्टोफर नोलन हर बार एक नए आइडिया के साथ ओरिजिनल फिल्म्स लेकर आते और 2020 में वो टेनेट के साथ आ रहे जो 17 जुलाई को आएंगी। हॉलीवुड में बहुत कम ऐसे डायरेक्टर है जिनकी हर फिल्म एक श्योर हिट होती है। क्रिस्टोफर नोलन ने इसी तरह के फिल्म से अपने करियर को डिफाइन किया है। टेनेट वार्नर ब्रोस की 2020 की सबसे महंगी फिल्म भी होने वाली है। इस फिल्म का बजट $250 मिलियन के आसपास बताया जा रहा है। जंगल क्रूज। ड्वेन द रॉक जॉनसन उन स्टार में से एक है जिन्होंने पिछले कुछ साल में एक भी फ्लॉप नहीं दी है। 2020 में जॉनसन डिज्नी की जंगल क्रूज में एमिली ब्लंट के साथ हमें दिखेंगे। इस फिल्म में एमिली ब्लंट एक साइंटिस्ट है जो जॉनसन के कैरेक्टर जो एक रिवर बोट का मालिक है के मदद से जंगल में लाइफ ट्री को हमें ढूंढती दिखेंगी। इस फनी राइड को हम 24 जुलाई को देख पाएंगे। मॉर्बियस द वैम्पायर हंटर। सोनी ने वेनम के साथ स्पाइडरमैन विलेन यूनिवर्स को शुरू किया था। इस यूनिवर्स की दूसरी फिल्म मॉर्बियस जुलाई 31 2020 को आएंगी। इस फिल्म के जरिए हम मार्वल कॉमिक्स के एक और आइकॉनिक विलन को अपनी खुद के फिल्म में देखेंगे। मॉर्बियस के साथ सोनी अपने मार्वल कैरेक्टर के यूनिवर्स को और एक्सपांड करती हमें दिखेंगी। किंग्समैन। किंग्समैन के फ्रेंचाइजी में अब तक 2 फिल्म आ चुकी है और दोनों फिल्म्स क्रिटिक्स के साथ साथ फैंस को भी बहुत पसंद आई थी। इस फ्रेंचाइजी ने स्लोमो एक्शन सीक्वेंस को असली पॉपुलैरिटी दी। किंग्समैन ये इस फ्रेंचाइजी का प्रीक्वल है। इस मूवी में ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के बारे में हमें बताया जाएगा। शुरुआत में ये फिल्म मार्च में आने वाली थी लेकिन अब किंग्समैन सितंबर 18 को आएंगी। एटर्नल्स। एटर्नल्स मार्वल की 2020 की दूसरी फिल्म होने वाली है। एटर्नल्स के साथ मार्वल अपनी एक और ट्रायलॉजी को लॉन्च करेगा। इस फिल्म में हमें एटर्नल्स की ओरिजिन स्टोरी भी देखने को मिलेगी। इस फिल्म के थ्रू मार्वल अपने कॉस्मिक यूनिवर्स को एमसीयू में एक्सपांड करेगा। इटरनल 6 नवंबर को रिलीज होंगी। एंजेला जोली और गेमा चान जैसे स्टार हमें इस फिल्म में दिखेंगे। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। मॉन्स्टर वर्स को गॉडजिला के साथ 2014 में शुरू किया गया था। इसी के बाद 2016 में किंग कॉन्ग को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अगले साल आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये दोनों आइकॉनिक मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने होंगे। पिछली बार जब गॉडजिला और किंग कॉन्ग आमने सामने आए थे तब उस लड़ाई का कोई पर्टिकुलर विनर नहीं बना था, लेकिन इस बार सभी को पता चल जाएगा कि किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला और किंग कॉन्ग में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 20 नवंबर को थिएटर में आएंगी। ड्यून। 2020 की दिसंबर ब्लॉकबस्टर होंगी ड्यून। ये फिल्म फ्रैंक हर्बर्ट के 1965 के सेम नाम के नोवेल पर बेस है। इस फिल्म के मदद से वार्नर ब्रदर्स अपनी खुद की स्टार वॉर्स लॉन्च करना चाहता है। ड्यून में हमें ड्यूक लेटो आर्टरिस से मिलाया जाएगा जो इस मूवी का मेन किरदार है। ये फिल्म अगर सक्सेस होती है तो स्टूडियो इस फ्रेंचाइजी को 2 पार्ट के बाद और बढ़ाने का सोच सकता है। ड्यून 18 दिसंबर को थिएटर में आएंगी। तो दोस्तों ये रही वो सभी मस्ट वॉच और मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज जो 2020 में रिलीज होने वाली है। अगर हमने इस लिस्ट में किसी मूवीज को ऐड नहीं किया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.